हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ओके, हाउ आर यू ऑल? आई मैम. आई एम फाइन एंड व्हाट्स अबाउट यू? एम आल्सो फाइन, थैंक यू. ओके बेटा, तो आज के सेशन में हम सभी चैप्टर पार्ट से ग्रामर जंक्शन पढ़ेंगे. ओके, ग्रामर स्टेशन एंड आपकी टॉपिक ग्रामर स्टेशन में एडवर्ब्स है ना बेटा. लास्ट सेशन में हम सभी ने ग्रामर जंक्शन में एडवर्ब्स के टाइप पढ़ा था. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर. ग्रामर स्टेशन में वही टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे. आई एम गोइंग टू शेयर अ बुक. बेटा स्क्रीन पे सभी को बुक दिखने लगी? यस मैम. यस मैम. ओके, सो एडवर्ब्स क्या है? आवर स्कूल टुक अस ऑन एन एक्सकर्शन टू द जू टुडे. फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस वाज द फर्स्ट एवर विजिट टू अ जू. वी हैड बीन वेटिंग एक्साइटेडली फॉर दिस डे एज वी वर गोइंग टू सी वाइल्ड एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. देखिए यहाँ पे आपने देखा एक्साइटेडली, हैप्पीली, hurriedly, peacefully, noisily, and incredulously, more menacingly. So ये क्या है आपके adverbs हैं, है ना? The words yes, are adverbs. We know that adverbs are words which describe a verb and adjective. Means adverb क्या होते हैं? Adverb are such words which describe adverbs and एडजेक्टिव्स, है ना, जो कि वर्ब या फिर दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं. सो लेट अस क्विकली टेक अ लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब. आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग हैपेंस. मींस जो एक्शन है उसके होने का वे कैसे, किस तरीके का है. मींस कैसे कोई एक्शन होता है. More often than not, they in ly. अधिकतर आप देखेंगे adverb of manner जो होते हैं वो ly से उनका ending होता है. Means words के last में ly होता है. Examples देखते हैं. It was raining heavily. अब raining का वे कैसा था कि बारिश बहुत तेज हो रही थी, है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Last में ly, है ना? Heavily means बहुत ही तेजी से बारिश हो रही थी. Look at the next sentence. The herd walked slowly towards the meadow. Herd means? महक herd means? H-E-R-D herd. Herd means? Yes, Deepika, on the mic. Ma'am, Samu. Herd means होता है group of animals. समूह को बोलते हैं. एंड देखिए जो एनिमल्स के जो ग्रुप थे उनके वॉकिंग का जो वे था वो क्या था? स्लोली, मतलब धीरे धीरे. तो यहाँ पे भी आपका एंडिंग क्या है? एलवाई है ना? समझ में आया? यस मैम. नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल्स. इवन विद अ बैड कोल्ड सी सैंग ब्यूटीफुली. मीन्स जब की कोल्ड बहुत ज्यादा था, ठंड ज्यादा थी, लेकिन तब भी उसने बहुत ही अच्छे से गाया. सी सैंग ब्यूटीफुली मीन्स उसके गाना गाने का जो वे था वो क्या था? बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही बेहतर था. आप आल्सो यहाँ पे भी देखते हैं, लुक एट द वर्ड ब्यूटीफुली. इट इज एंडिंग विद एल वाई, है ना? तो ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर. क्लियर है ना? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं? Yes, ma'am. ये एक्शन के घटित होने के, एक्शन के होने का वे बताते हैं. ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are some adverbs which do not end ly. लेकिन कुछ और भी ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जो कि ly से एंड नहीं होते. एग्जाम्पल्स, द डॉक्टर हैव टू एक्ट फास्ट टू सेव ऑल द विक्टिम्स. The doctor had to act fast. Means doctor को act करना है fast, मतलब तेजी से. अब यहाँ पे fast adverb है and also fast is adverb of manner. But ये ly से end नहीं हो रहा, है ना? Yes, ma'am. You have
done very well in the test. आपने टेस्ट में बहुत अच्छा किया, मीन्स आपने वर्क किया, आपके वर्क का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था. So, यहाँ भी well adverb of manner है, but it is not ending with ly. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will know about the adverb of place. Adverb of place means मतलब जो place को denote करते हैं. Adverb of place tell us where something is done or where something happens. Means कोई काम कहाँ पे होता है, ठीक है? कोई भी action जो है, action के held होने का place कौन सा है, कहाँ पर है. Okay, so it is called adverb of place. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Look at the examples. Yes, ma'am. The books are kept upstairs. Books जो है वो रखी हुई है. What is the place? Where the books kept to? Ma'am, upstairs. Upstairs. So upstairs is adverb of place. समझ में आया? Yes, next. Ma'am. We were standing here. We were standing here when the bike crashed on the other side of the road. We were standing here. हम खड़े थे. Where? Place क्या है? यहाँ पे. जब बाइक जो है वो क्रैश हो गई दूसरे, मतलब बाइक जाके रोड के दूसरे साइड में वो क्रैश हुई, मींस गिर गई. सो यहाँ पे भी द वर्ड हियर डिनोट्स द एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह दिखाता है. ओके? यस मैम. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? आउटसाइड. आउटसाइड, यस. सो आउटसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. We will go somewhere today. We will go somewhere today. Somewhere denotes the adverb of place. हम कहीं जाएंगे. Place नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, but somewhere denotes the place. हम कहीं जाएंगे, है ना? Next. Yes, there was a small cottage nearby. There was a small cottage nearby. मतलब पास में एक छोटी सी झोपड़ी है. Cottage means? अविरल बेटा मेरी आवाज अब तक जा रही है. अविरल, अविरल, अविरल का वीडियो पॉज हुआ, मींस आई थिंक उसको समझ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, तो नेक्स्ट आपका नियर बाय आल्सो डिनोट्स द प्लेस. क्यों दीपिका, समझ में आ रहा है? यस मैम. सो आई थिंक आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये क्लियर हो गया. यस मैम. नाउ वी विल नो अबाउट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सॉरी, एडवर्ब. हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, टाइम जानेंगे पहले. एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन और व्हेन एन एक्शन हैपेंस. ये डिनोट करता है कि कोई एक्शन, कोई वर्क जो है वो किस समय पर हुआ है. अभी प्लेस ने क्या था कि वो जगह दिखा रहा था कि कहाँ पे हुआ. एंड टाइम डिनोट्स द टाइम, मतलब कब हुआ एक्शन जो है वो कब हुआ. So look at the example. I will soon buy a new phone. जरूर एक मैं जल्दी ही एक नया फोन खरीदूंगा. So soon denote the time. कब खरीदूंगा? जल्दी ही. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Waiting for a cab. See, still waiting for a cab. Cab denotes the vehicle. मतलब गाड़ी को denote करता है. वो गाड़ी का, कैब का वेट कर रही है. सो स्टिल, स्टिल आल्सो डिनोट द टाइम. अभी भी, अब अभी भी वेट कर रही है. मीन्स अभी भी वैसा समय हो गया, लेकिन अब भी वो वेट कर रही है. सो स्टिल डिनोट्स द टाइम. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू अलास्का टुमारो. मीन्स मैं अलास्का जा रहा हूँ टुमारो. टुमारो डिनोट्स द टाइम, आने वाले कल में, मतलब मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ. सो इट इज आल्सो टुमारो डिनोट द टाइम. क्लियर है ना? नेक्स्ट, आई हैव नॉट विजिटेड रोमोजी फिल्म सिटी यट. यट मीन्स यद्यपि, अभी भी, मतलब मैंने अभी भी फिल्म नहीं देखा है. सो यट डिनोट्स द टाइम. ओके? यस मैम. Look at the next adverb, adverb of frequency. Beta, in the last lesson, I told you what the meaning of frequency. Frequency means? Mahak? Mm-hmm.
frequency means Deepika? Ma'am. फ्रीक्वेंसी मिस होता है अधिकतर अधिकांशतः मतलब अक्सर जिसको हम कहते हैं. ओके सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ मेनी टाइम एन एक्शन अकर्स. मींस ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कितनी बार हुआ है. हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन अकर्स. कोई भी वर्क जो है वो कितनी बार हुआ है. एग्जाम्पल्स ही इज नेवर लेट टू क्लास. वो कभी भी क्लास में लेट नहीं हुआ. सो ये भी फ्रीक्वेंसी दिखाता है वो कभी भी लेट नहीं हुआ. It is never is adverb of frequency. Okay? Yes, ma'am. Barking yes, dog ma'am. Seldom bite. Barking dog seldom bite. Seldom denotes the adverb of frequency. Means भौंकने वाले जो dog है वो कभी कभी barking dog कभी कभी ही काटते हैं. Okay? Next आपका this magazine is published bi-monthly. मतलब month में एक बार. By monthly, it also denotes the adverb of frequency. Okay, I regularly visit him at the hospital. I regularly visit him at the hospital. Regularly also denotes the adverb of frequency. Okay. Yes, ma'am. I receive pocket money every week. I receive pocket money every week. Every week, it is also denotes the adverb of frequency. Means, हर सप्ताह में मुझे pocket money मिलता है. Understood? Yes, ma'am. Now we will know about the adverb of degree. Adverb of degree पढ़ेंगे. Adverb of degree talk about the extent of something. मतलब, I think आपने पढ़ा होगा ना degree of comparison. Yes, ma'am. अभी को बताया गया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन. महक कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. मैम इन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन वी कंपेयर वन मैन टू अनदर मैन. ओनली वन मैन टू अनदर मैन. नो वी वी कंपेयर टू थिंग्स. ठीक है. सो मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम यूज करते हैं इन द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है. तो ऐसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं. ठीक है. टू एक्शंस को कंपेयर करते हैं. देखिए यहाँ पे लुक केयरफुली. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टॉक अबाउट एंड एक्सटेंट ऑफ समथिंग. मतलब किसी चीज का की मात्रा एक्शन की. जैसे दिस फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे कंपेयर मतलब ये फ्लावर बता रहे फ्लावर्स जो है दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. ये फ्लावर्स जो है वो बहुत ही सुंदर है. सो ये एक तरीके से मात्रा दिखा रही है कि कितनी कितना सुंदर फ्लावर है. वेरी ब्यूटीफुल है ना. यस मैम. सो वेरी डिनोट्स द एडवर्ब ऑफ डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं आ I completely agree with you. मतलब मैं पूरी तरीके से. देखिए यहाँ भी आपको मात्रा डिनोट किया जा रहा है कि कितनी मात्रा में मैं आपसे सहमत हूँ और कितनी मात्रा में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. मतलब I completely agree with you. मतलब मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ. So completely, the word completely is adverb of degree. Okay? समझ में आया? Next, yes, ma'am. I am almost done with the painting. Almost means? Lagbhag. Yes. I'm almost done with the painting. मतलब मैं painting लगभग कर चुका हूँ. Almost also degree को show करता है adverb of degree. The teachers were rather busy with the corrections. The teachers were rather busy with the corrections. Teachers तो थे थोड़ा busy थे वो corrections में. So rather also ये भी आपका degree show करता है. This is entirely your fault. Entirely means होता है completely पूरी तरीके से. इसमें पूरा का पूरा आपका दोष है. It is entirely denotes the adverb of degree. Okay? Yes, ma'am. Next, comparison of adverbs.
अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरे टाइप का आपका एडवर्ब है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में देखते हैं द टाइगर थ्रो नॉट एज ग्रैंड वॉक्ड मोर मेनेसिंगली, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से वो जा रहा था. तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर किया जा रहा है. Here the tiger's gait is compared to the lion. इस tiger को lion जैसा compare किया गया. The sentence say that tiger's gait is more terrifying than that the lion. Means tiger की जो performance, उसका जो physical appearance है, वो lion से ज़्यादा terrifying है. Means दोनों में tiger और lion में यहाँ पे comparison किया गया. ठीक है? मैनर ऑफ टू एक्शन इज बीइंग कंपेयर्ड, मीन्स जहां पे दो एक्शन के मैनर मीन्स तरीके को हम कंपेयर करते हैं. ओके, द फ्रेश इज मोर menacingly is a comparative adverb. तो यहाँ पे more menacingly जो है ये क्या है, comparative adverb है. Okay? समझ में आया? चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम comparative degree comparative adverbs को हम कैसे बनाते हैं. We form comparative adverbs by adding er or est. If an adverb ends ly, we add more. देखिए पॉजिटिव एक्शंस को हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं, वी यूज ly, तो ly तो रहता ही एडवर्ब्स, ठीक है. हम कंपैरेटिव में ly एंडिंग एडवर्ब्स के लास्ट में er ऐड करते हैं. जैसे आपका स्लोली है, जैसे यहाँ पे देखिए er यूज करते हैं, और कंपैरेटिव में हम ईएसटी यूज करते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. वी कुड हियर हिज स्पीच बेटर, मतलब मैं उसकी स्पीच को, उसकी आवाज को अच्छे से सुन सकता हूँ, सुन सका. इफ द मिनिस्टर यूज्ड अ माइक्रोफोन, अगर मिनिस्टर माइक्रोफोन यूज करता. सो द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड रनिंग फास्टर, देखिए अभी यहाँ पे बेटर ER यूज किया गया कंपैरेटिव में, है ना. एंड ऐसे ही फास्टर, फास्ट से बना फास्टर, और फास्टर में भी ई आर यूज किया गया, है ना, कंपैरेटिव में. अभी सुपरलेटिव होता तो ई एस टी यूज करते हम, है ना. वी नीड टू लुक एट डॉक्यूमेंट्स मोर केयरफुली. अब ऐसे एडवर्ब्स जो कि एलवाई से एंड होते हैं, उसके कंपैरेटिव में हम मोर एंड मोस्ट, कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं एंड सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं. समझ में आया? ऐसे एडवर्ब जो कि एलवाई से एंड होते हैं, जैसे कि केयरफुली जो है वो एलवाई से एंडिंग हो रहा है, अब इसको कंपैरेटिव में हम मोर केयरफुली यूज किया, एंड इसका सुपरलेटिव होगा मोस्ट केयरफुली, है ना, मच मोर मोस्ट. और फास्ट और बेटर की, फास्ट और गुड की बात बताऊं तो यहाँ पे कंपैरेटिव में हम ER यूज करेंगे एंड सुपरलेटिव में EST यूज करेंगे. गुड बेटर बेस्ट एंड फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. ओके, समझ में आ रहा है सभी को क्लियरली? यस मैम. यस मैम. The traffic in this part of the city moves most slowly during the office hours. अब देखिए यहाँ पे slowly, slowly is an adverb that ending. Slowly is an adverb that ending with ly, है ना, ly से end हो रहा है. Look carefully. अब यहाँ पे हमने comparative में, क्योंकि ये superlative है, तो हमने यहाँ पे most लगाया. द ट्रैफिक इन दिस पार्ट, मतलब इस शहर के इस पार्ट में जो ट्रैफिक है वो क्या है, सिटी मूव्स मोस्ट स्लोली, मतलब ट्रैफिक होने की वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा स्लोली चलते हैं ऑफिस आवर्स में. तो यहाँ पे सारे रोड से, मतलब सिटी के हर एरिया से इस एरिया को कंपेयर किया गया और ये पता चला यहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा है. क्लियर हुआ ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that we used here most.
मोस्ट स्लोली. ओके आई थिंक आपको ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे, है ना? Yes, ma'am. The child started crying more loudly. The child started crying more loudly. मतलब बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया more loudly, बहुत ही तेजी से. When she saw the police, जब उसने पुलिस को देखा. So यहाँ पे loudly, loudly is also adverb that is ending with ly. हमने यहाँ पे more use किया. Clear? Yes, ma'am. Now your turn. You have to complete the exercises. Exercise number one है, underline the adverbs in these sentences. Then write the comparative and superlative form of the adverbs in these sentences. सबसे पहले हमें adverb को underline करना है. इसके बाद then write the comparative and superlative form of the adverbs in these sentences. इसके बाद हम comparative and superlative form यहाँ पर write करेंगे. Okay? जैसे द लाइब्रेरियन आस्क्ड अस टू वर्क साइलेंटली व्हाइल इन द लाइब्रेरी. व्हिच वर्ड इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? यू विल टेल मी. दीपिका यू टेल. साइलेंटली. साइलेंटली. सिद्धात्री. साइलेंटली. अविरल. Silently. Which type of adverb? मतलब यहाँ पे क्या कंपेरेटिव में है ये? मैम एडवर्ब ऑफ मैनर. मैम मैनर. यस मैम एडवर्ब ऑफ मैनर. यस बट आपको ये बताना ये कंपेरेटिव में होगा या सुपरलेटिव फॉर्म में होगा? कंपेरेटिव. द लाइब्रेरी आस्क्ड अस टू वर्क साइलेंटली व्हाइल इन द लाइब्रेरी. मैम कंपेरेटिव. कंपेरेटिव में नहीं है. मैम देन राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडवर्ब इन दीज सेंटेंसेस. इसी का आपको कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है. ओके सो साइलेंटली का क्या होगा? यस मैम. मैम मोर. मैम मोर साइलेंट. एंड सुपरलेटिव में मोस्ट साइलेंट. मोस्ट साइलेंट. ओके नेक्स्ट द टीम. अब जैसे आप इसको कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाएंगे आपका सेंटेंस भी चेंज होगा. ओके नेक्स्ट द टीम परफॉर्म्ड क्वाइट क्लम्सिली इन द सेमीफाइनल्स. द टीम परफॉर्म्ड क्वाइट clumsily in the semi final. Which word is adverb? Ma'am quite. Ma'am quite. No. Semi final. Semi final. Semi final nahi yahan pe. Clumsily. Clumsily. Yes. So aise aapko isko karna hai, kar lenge. Yes ma'am. Fill in the blanks with appropriate adverbs. यहाँ पे हमें proper adverb यहाँ पे हमें fill करना है. The little boy was practicing cursive writing. But which adverb should here? The little boy was practicing cursive writing. Ma'am late. Ma'am late. Late practicing. No. Ma'am, more today. Curiously नहीं कर सकते. बहुत ही इच्छुक होकर, बहुत ही उत्तेजित होकर वो cursive writing की practice कर रहा था छोटा सा बच्चा, है ना? The little boy was curiously practicing cursive writing. मतलब बहुत ही curiosity के साथ वो cursive writing की practice कर रहा था, है ना? Yes, ma'am. So, इसको करना आप लोग. Next, yes, ma'am. Have you heard from Vaishnavi or has it been a while? Have you heard from Vaishnavi or has it been a while?
क्या आपने वैष्णवी को बोलते यहाँ पे सुना था कुछ पल के लिए? चलिए इसको करना, आप लोग इसको सर्च करके करेंगे. ओके, इट्स योर वर्ब. एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 देख लेते हैं. रिराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स. अब यहाँ पे आपको एडवर्ब नहीं है, यू हैव टू यूज एडवर्ब्स अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस ऑल्सो. आई ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट. विच एडवर्ब डू लाइक टू यूज इन दिस सेंटेंस? चलिए ठीक है, नेवर आप यूज करेंगे. नेवर इज एडवर्ब ऑफ. अब बुक से चीटिंग करेंगे क्यों दीपिका? मैम नहीं ली. नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा ना. हेलो मैम, आप नेवर कर सकती हैं. ओके, यस महक टेल. मैम आई ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. यस कर सकती हैं. सो आप इसको करना. नेक्स्ट, तितली कुडंट फाइंड द कीज. तितली को की नहीं मिली, मतलब वो चाबी नहीं पा सकी. एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी क्या यूज करेंगे यहाँ पे आप? विच वर्ड? अविरल, अविरल टेल. अविरल, आई एम आस्किंग टू यू, टेल. महक. यस मैम. बेटा यूज करिए. महक यू टेल. टुडे कर सकते हैं, कुडंट यस्टरडे कर सकते हैं. तितली कुडंट फाइंड द कीज यस्टरडे, वो कल उसे चाबी नहीं मिली थी, है ना, वो नहीं पा सकी. यस मैम. सो दिस वर्क आल्सो यू हैव टू डू टुडे. एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 आज का वर्क है. इट्स वर्क फॉर टुडे. एंड लुक एट एक्सरसाइज नंबर 4. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सर्कस परफॉर्मेंस. वेरी गुड. क्या करना है इसमें? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ सर्कस परफॉर्मेंस. यूज ऑल द 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द पैराग्राफ. आपको एक सर्कस परफॉर्मेंस का को डिस्क्राइब करना है, जहाँ पे सर्कस है, हो रहा है उसका परफॉर्मेंस. कैसे? वन बाय वन ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस हो रही है. यू हैव टू डिस्क्राइब द सीन यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस. कर लेंगे. Adverb of degree. मैम इसे नोटबुक में करना है. दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड इट्स वर्क फॉर टुमारो. ये कल करना, आज का वर्क आप लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है. इट्स वर्क फॉर टुमारो. ओके. यस मैम. एंड बुक सी का भी हम देख लेते हैं. बुक सी वाला मींस बुक ए से एक्सरसाइज नंबर 4 आपका कल का होमवर्क है. एंड बुक सी से भी चेक कर लेते हैं. बुक सी में ग्रामर स्टेशन तो है नहीं, है ना? No, okay, so this work is work for tomorrow. Okay, कल करना. एंड बेटा आप सबका इसके पहले वाला जो पेंडिंग वर्क है, यू ऑल नीड टू डू. ओके, या सभी को होमवर्क करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग होमवर्क ही ना करो, ये बहुत ही बैड हैबिट है. ओके. यस मैम. रीडिंग जंक्शन आप लोग कर चुके हैं, वो कैबरी में भी कर चुके हैं, है ना? एंड प्रोनाउंसिएशन का हो गया था, डिस्कस ही हुआ था पूरा उस दिन. ग्रामर जंक्शन भी हमने लास्ट सेशन में ही वर्क दिया था आप सभी को, कि नहीं हुआ था ये? मैम नहीं हुआ. ठीक है, इसको भी समझा के होमवर्क देते हैं. इट्स वर्क फॉर टुमारो. ओके, सो
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब. ये बहुत इजी है. आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस यू हैव टू यूज द एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्सेस. ठीक है. जैसे द चिल्ड्रन रैन फॉर कवर एंड रेन स्टार्टेड पॉरिंग. क्या हो सकता है यहाँ पे? मैम फास्टर फास्टर मैम फास्टर फास्टर जैसे ही आपने बारिश इतनी तेज पोरी में बहुत भारी वर्षा हो रही थी और बच्चे दौड़े कैसे? हरीडली हो सकता है यहाँ पे तेजी से, है ना? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे, हो जाएगा ना? Yes, ma'am. एक्सरसाइज नंबर टू देख लेते हैं. रेनी डेज आर फुल ऑफ फन. यू नो दैट रेनी डेज जो होते हैं उसमें बहुत मजा आता है. एंड डिस्क्राइब अ फनी इंसिडेंट. आपको फनी इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है दैट हैपेंड ऑन अ रेनी डे. जो हुआ हो आपको इमेजिन करना है, किसी भी रेनी डे पे कोई फनी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज एटलीस्ट 5 कंपैरेटिव एडवर्ब्स इन योर डिस्क्रिप्शंस. अपने डिस्क्रिप्शंस में आपको 5 कंपैरेटिव एडवर्ब जरूर यूज करना है. कम से कम 5 तो होना ही चाहिए. ओके? यस. तो ग्रामर स्टेशन एक्सरसाइज नंबर 4 एंड ग्रामर जंक्शन फ्रॉम बुक सी. इट्स वर्क फॉर टुमारो. ओके? यस मैम. एंड टुडेज वर्क आप सभी को दिया जा चुका है. ठीक है? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? ओके बेटा, तो आज का सेशन एंड करते हैं. आप लोग होमवर्क अभी करके इसकी फोटो सबमिट करना. ओके? यस मैम. बाय एवरीवन.